गाइस आज के वीडियो में स्टेंजर के कुछ डुप्लीकेट्स एम्पलीफायर आपको फर्स्ट में दिखाने वाला हूं। जो स्टेंजर के एम्पलीफायर मार्केट में बिकते तो है स्टेंजर के नाम पर, लेकिन वो एम्पलीफायर स्टेंजर का नहीं होता, स्टेंजर के डुप्लीकेट्स या फिर स्टेंजर के कॉपी एम्पलीफायर होते हैं। वो एम्पलीफायर आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। एंड स्टेंजर का जो ओरिजिनल एम्पलीफायर है, ओरिजिनल मॉडल कैसा है, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो लास्ट तक फुल वॉच कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो एम्पलीफायर आप देख पा रहे हैं, ये है स्टेंजर का SSA 300। तो स्टेंजर का तो SSA कोई 300 मॉडल आता ही नहीं, SSA मॉडल आता है सिर्फ आउजा का। जो आप लोगों को पता होगा आउजा SSA 1500 ऐसा आता है आउजा के SSA मॉडल में। स्टेंजर का आता है जैसे PVT और आते हैं MCA, MCU ऐसे आते हैं। स्टेंजर का कोई भी SSA सीरीज नहीं आता, ठीक है। SSA सीरीज आता है सिर्फ आउजा के, ठीक है। और स्टेंजर का जो 300 वाट का एम्पलीफायर है वो ऐसा होता है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये स्टेंजर का डुप्लीकेट एम्पलीफायर है। तो अभी जो एम्पलीफायर आप देख पा रहे हैं स्टेंजर का USB 160, तो 160 USB नाम से ही पता चल रहा है ये भी स्टेंजर का डुप्लीकेट एम्पलीफायर है। USB सीरीज का कोई भी स्टेंजर का एम्पलीफायर अभी तक 2021 में जनवरी, अभी जनवरी का टाइम चल रहा है, अभी तक स्टेंजर ने कोई भी USB सीरीज लॉन्च नहीं किया है। हालांकि ये मॉडल होना चाहिए था स्टेंजर का MA 160, जो ये वाला है, ये है ओरिजिनल और पहले वाला था डुप्लीकेट। तो चलिए अभी कुछ ऐसे ही स्टेंजर के डुप्लीकेट्स एम्पलीफायर आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक है मैं 200 लाइक, तो ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा। और ऐसे ही अगर स्टेंजर के और भी डुप्लीकेट्स एम्पलीफायर मैं आपको दिखाऊँ और अदर ब्रांड के भी अगर डुप्लीकेट एम्पलीफायर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही वीडियोज़, तो नीचे जाकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो एम्पलीफायर्स अभी मैं डुप्लीकेट्स एम्पलीफायर दिखाने वाला हूँ, अगर आपके पास कोई भी एम्पलीफायर है तो कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपका एम्पलीफायर डुप्लीकेट है या नहीं, और उसके बाद मैं बताऊँगा कैसे आप ओरिजिनल को पहचान सकते हो। तो ये तो देखा आपने स्टेंजर के सब डुप्लीकेट एम्पलीफायर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्टेंजर का ओरिजिनल कौन से मॉडल आते हैं। चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ, साथ में अभी का टाइम भी मैं बता देता हूँ। अभी का टाइम है 2021 जनवरी। अभी तक जो जो स्टेंजर के प्रोडक्ट्स, जो जो स्टेंजर के एम्पलीफायर्स मार्केट में अवेलेबल हुए हैं आपको दिखा देता हूँ। और स्टेंजर का कोई भी 1500 वाट एम्पलीफायर अभी तक नहीं आया है, हो सके तो बाद में आ जाएगा। अभी तक जो जो एम्पलीफायर्स मार्केट में अवेलेबल है या फिर स्टेंजर ने लॉन्च किया है आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। पर मैंने सब मोनो एम्पलीफायर्स दिखाया है, क्योंकि डुअल चैनल के एम्पलीफायर्स का भी एक और डुप्लीकेट और ओरिजिनल का वीडियो आने वाला है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ मोनो एम्पलीफायर्स दिखाया है। तो अभी आप लोग कमेंट में जाकर बोल सकते हो कि क्यों भाई मैं आपके बात को क्यों विश्वास करूँ, आपका जो एम्पलीफायर आप दिखा रहे हो ये भी तो गलत हो सकता है, ये भी तो डुप्लीकेट हो सकता है। तो आप तो सर ठीक बोले हो, लेकिन आप खुद जाकर देखिए पहले, उसके बाद ही मेरे ये सब एम्पलीफायर को गलत बोलना, ठीक है। तो आप गूगल क्रोम में जाकर स्टेंजर के ऑफिशियल वेबसाइट
सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पर जो जो एम्पलीफायर्स मैं दिखा रहा हूँ ओरिजिनल के नाम से सभी एम्पलीफायर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और जो एम्पलीफायर मैं डुप्लीकेट दिखा रहा हूँ वो एम्पलीफायर आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे। अगर स्टैंजर ने लॉन्च किया होता तो सारे डुप्लीकेट्स एम्पलीफायर का भी पिक्चर वहाँ पर होता, लेकिन स्टैंजर जो जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है जैसे मिक्सर एम्पलीफायर सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा उस वेबसाइट में। वेबसाइट में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हो स्टैंजर के ओरिजिनल कौन से प्रोडक्ट आते हैं, सबको आप सब कुछ आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एम्पलीफायर्स बॉक्सेस एम्पलीफायर्स और जो मिक्सर्स सब आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। स्टैंजर के ओरिजिनल कौन से मॉडल आते हैं या फिर कौन से सीरीज आते हैं सब आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। और जो जो एम्पलीफायर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी एम्पलीफायर्स मैं वहाँ से स्टैंजर के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको दिखा रहा हूँ, तो आप जाकर जरूर देखिएगा वेबसाइट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो सब ओरिजिनल एम्पलीफायर आपने देख लिया है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि स्टैंजर का कौन सा सीरीज मार्केट में अवेलेबल है या फिर स्टैंजर ने कौन से सीरीज को आज तक लॉन्च किया है, ये आपको पता चल गया होगा। अभी आप अगर कोई भी एम्पलीफायर खरीद रहे हो तो आप कैसे उस एम्पलीफायर को पहचान सकते हो कि ये ओरिजिनल स्टैंजर है या नहीं? तो मैं एक वीडियो कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था स्टैंजर का SPB2 के एम्पलीफायर। तो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा था, तो इसीलिए मैंने हेडफोन का यहाँ पर यूज़ किया है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। तो मैं जो बता रहा था स्टैंजर के SPB2 के एम्पलीफायर आप कैसे ओरिजिनल वाले को पहचान सकते हो, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग आई बटन में वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। और स्टैंजर के PVT501 एम्पलीफायर को भी आप ओरिजिनल वाला कैसे पहचान सकते हो वो वाला भी वीडियो मैंने आई बटन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो। और अभी बता देते कि अगर आप दूसरा किसी एम्पलीफायर ओरिजिनल कैसे आप पहचान सकते हो या फिर नया एम्पलीफायर अगर आप खरीदने जाते हो तो वो वाला एम्पलीफायर ओरिजिनल है क्या, आप कैसे पहचानोगे उस वाले एम्पलीफायर को, है ना, ये भी तो बहुत ज़रूरी बात है। तो आप कैसे पहचान सकते हो, देखिए यहाँ पर मैं एक ग्रीन कलर का एक पिक्चर दिया हूँ जहाँ पर आपको एक लोगो दिख जाएगा, स्टैंजर के ओरिजिनल प्रोडक्ट में ही ये वाला स्टिकर लगा हुआ रहता है, सिर्फ ओरिजिनल में ही आपको ये स्टिकर मिलेगा, डुप्लीकेट में ऐसा स्टिकर आपको नहीं मिलेगा। ये वाला स्टिकर लगा हुआ रहता है एंड एक सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है स्टैंजर के ओरिजिनल प्रोडक्ट में, ये आपको देख लेना है। बाकी मैंने जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आते एम्पलीफायर्स आते उसका तो मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई दिया है कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सा सीरीज अब तक स्टैंजर ने लॉन्च किया है, तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, डुप्लीकेट को बच कर रहिए। डुप्लीकेट एम्पलीफायर्स अगर आप लेते हैं तो डुप्लीकेट की तरह ही होगा, अगर आप कहीं पर भी बजाने जाते हैं तो आपको फंसा सकता है, तो डुप्लीकेट एम्पलीफायर। और एक बात भी बता देता हूँ आपको, जो स्टिकर आप देख पा रहे हैं इस स्टिकर में लिखा हुआ रहता है मेड इन इंडिया कोलकाता, ऐसा लिखा हुआ रहता है, ये भी आप ज़रूर देख कर ही लीजिए। और किसी भी दुकानदार अगर आपको ऐसा एम्पलीफायर दे रहा है जो आपको लग रहा है कि ये एम्पलीफायर हो सकता है डुप्लीकेट है, तो आप उसी दुकान से मत लीजिए, दूसरे दुकान में जाइए। अगर आपको लग रहा है कि दुकानदार आपको डुप्लीकेट एम्पलीफायर दे रहा है तो उस दुकान से मत लीजिए, दूसरा दुकान में जाइए जहाँ पर आपको अच्छे ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेगा, वैसा दुकान में ही जाकर लीजिए। क्योंकि आप जब एक एम्पलीफायर खरीदने जाते हैं तो बहुत सारा पैसा लग जाता है, और अगर आप डुप्लीकेट एम्पलीफायर खरीदते हैं तो भाई एम्पलीफायर तो आपका गया। तो ऐसे ही दुकान से लीजिए जहाँ पर आपको जेन्युइन और अच्छे प्रोडक्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलता है, तो वैसे दुकान से ही लीजिए। लास्ट बात बस यही आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे डुप्लीकेट्स एम्पलीफायर अगर आप खरीदने जाते हैं तो ऐसे डुप्लीकेट्स एम्पलीफायर से बच कर रहिए, ये वाला स्टिकर देख कर ही लीजिए, ये वाला स्टिकर सिर्फ स्टैंजर के ओरिजिनल प्रोडक्ट पर ही रहता है, साथ में आप सीरियल नंबर भी देख कर लीजिए एंड कोलकाता का स्टैंजर का प्रोडक्ट लीजिए तो ही अच्छा होगा, दिल्ली का भी ले सकते हैं लेकिन स्टैंजर का कोलकाता का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे डुप्लीकेट्स एम्पलीफायर मत लीजिए, बहुत सारे लोग यार गलती करते हैं कि कम प्राइस में डुप्लीकेट्स एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा देते हैं। मान लीजिए स्टैंजर का 1000 वाट का एम्पलीफायर का प्राइस 20,000 है, और डुप्लीकेट अगर आप लेते हैं तो 1500 वाट का एम्पलीफायर आपको हो सकता है 15,000 में मिल जाए, तो 15,000 देखकर बहुत सारे लोग यार गलती कर देते हैं, खरीद लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। डुप्लीकेट एम्पलीफायर डुप्लीकेट ही होता है और ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही होता है। तो
इस वीडियो में आपको बताना चाहा हूँ जो कुछ। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।